एक राजा शिकार खेलने जा रहे थे, शिकार खेलने जा रहे थे। मंत्री से कहा चलो शिकार खेलने चलते हैं। बोले अच्छा महाराज ठीक है, पर मेरा आज कुछ मन कम है, यदि आपकी आज्ञा हो तो जरा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लाओ हमारी तलवार कहाँ है, तलवार लाई गई। साहब तलवार को देखा राजा ने निकाल के, कुछ लग रहा है धार इसमें कम है, बाण दिखाओ हमारे, बाण निकाले गए। साहब एक काम करो ले के आओ, हम अपने हाथ से इस पे धार धरेंगे। अच्छा महाराज। और राजाएं, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत है, इनकी उल्टी रीत है। राजा जोगी अग्नि और जल इनकी उल्टी रीत है, इसलिए भैया थोड़ी थोड़ी करिए प्रीत राधे राधे। राजा जोगी अग्नि जल आ गया मन में, तो आ गया मगाया गया साहब, धार धरना शुरू किया। धार धरते धरते क्या हुआ, राजा साहब का अंगूठा फट गया। अब जो मंत्री थे उनको हर बात में यही कहने की आदत थी कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। अब महाराज राजा जैसे ही अंगूठा कटा तो मंत्री की मुंह से निकल गया भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। बोले अरे मेरा अंगूठा कट गया और तुम कहते हो भगवान जो करता है अच्छा करता है, जेल में डाल दो इसको, ये हमारा भला नहीं चाहता है। जेल में डाल दिया। जब जा रहा था तो मंत्री ने यही कहा भगवान जो करता है अच्छा करता है, ठीक है। राजा गए शिकार खेलने, बंद में भटक गए, लोग सैनिक लोग पीछे रह गए, जंगली लोगों ने पकड़ लिया। और जो कबीले का राजा होता है उसने उस दिन एक व्रत किया था कि एक मानव की बलि में अपने देवता को चढ़ाऊंगा। पकड़ लिए गए राजा जी, ले जाए गए, नहलाया धुलाया गया, खिलाया पिलाया गया, राजा को लगा मेरी सेवा कर रहे हैं। और जब खिला पिला के बढ़िया तेल फुलेल लगा के बढ़िया चंदन वंदन लगा के जब ले जाए गए वहाँ उनके देवता के पास, बोले ये क्या है, बोले महाराज अब आपकी बलि दी जाएगी। बोले हैं इसीलिए खिलाया पिलाया गया। अब जब पुरोहित आए, भाई सबके पुरोहित होते हैं अपने अपने कबीले के भी जो आदिवासी लोग हैं उनके अपने पुरोहित होते हैं, उन्होंने देखा राजा को चारों ओर से देखा तो उनका अंगूठा हटा हुआ। बोले हटाओ इसको, ये बेकार है, अंग भंग है, खंडित मूर्ति है, हटाओ इसे, खंडित मूर्ति काम की नहीं। तो महाराज अब जब उन्होंने कहा कि हटा दो खंडित है ये, तब राजा को याद आया मंत्री कहता था कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। अब तो महाराज लौट के आया और मन में बहुत उसके ऐसा लगा मैंने बेचारे को जेल में डाल दिया। बुलाया बड़े आदर के साथ, बिठाया सामने, बोले देखो मेरा तो अंगूठा कट गया, तुमने कहा भगवान जो करता है अच्छा करता है, चलो मैं तो बच गया वहां से, मैं छोड़ दिया गया, पर तुम इतने दिन जेल में रहे तुम्हारे साथ क्या भला हुआ। बोले महाराज मैं तो हर समय आपके साथ जाता हूं, आप तो खंडित मूर्ति बच गए, मैं तो वहां पे मेरा तो गोविंदाय नमो नमा कर दिया जाता वहीं के मैं। तो भगवान जो करता है मुझे जेल में डलवा दिया जिससे कि मेरा बचाव हो गया, नहीं आप तो बच के आ जाते, मेरा वहां बहु लगता रहता बढ़िया। तो भगवान जो करता है अच्छा करता है। इस सिद्धांत को सुनने के बाद हमारे आपके जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए। ये तो कथा हो गई, एक स्टोरी हो गई, स्टोरी के माध्यम से सिद्धांत समझाया जाता है तो बात समझ में आ जाती है। अब सिद्धांत जो हमारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का है, जो हमारी इंडियन फिलोसफी है, वो यही उसका बेस है। उसकी कृपा को मानो, रियलाइज करो कि हाँ उसकी कृपा है। एक संत से पूछा किसी ने कि ये बताएं महाराज उसकी कृपा हमारे ऊपर हम कैसे अनुभव करें। बोले भले मानस
तुम जीवित हो? बोले हाँ जीवित तो हूं, यही तो कृपा है। इससे बढ़िया और क्या एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें, क्या उदाहरण चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें समझा दूं कि तुम उसकी कृपा को अनुभव करो? इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, खा पा रहे हो, हाँ चल पा रहे हो, हाँ काम कर पा रहे हो, हाँ इससे बढ़िया कृपा और क्या चाहिए? क्या सोचोगे तुम, और क्या चाहिए तुम्हें? केवल मांग 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 करके क्या भगवान को तुमने क्या बना रखा है? अपने इष्ट से मांगो मत। यदि मांगना है तो उसी को मांगो, उससे कुछ मत मांगो। इस सिद्धांत को याद रखिएगा, मांगना है भिखारी ही बने रहना है तो कोई बात नहीं। हमारा शास्त्र यह भी समझाता है, मांगना ही है तो कम से कम उसको मांग लो, उससे उससे कुछ न चाहो, उसी को चाहो बस।